आज का कार्यक्रम भगवान राम जी का जो वहाँ पे जन्म प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके शुभ अवसर पर, क्योंकि माँ तारा भगवान राम जी की शक्ति है, उन्हीं शक्ति को हमने आज याद किया है। और बिना शक्ति का आपको पता ही है कि एक जीव में एक शैया जैसा भगवान शिव है, उनका जीविका मात्र है, उनके बगैर वो सब हो जाते हैं। तो आज उसी शक्ति का हमने आह्वान किया था कि भगवान राम की जो शक्ति है पूरे भारतवासियों में और हित के सभी के हित के रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, उन्नति के लिए आज का ये पूजा संपन्न हुआ है। देश और प्रदेश की रक्षा के लिए और उन्नति के लिए आज का ये माँ तारा का पूजन हवन अनुष्ठान संपन्न हुआ है, जिसमें बहुत बड़े पुजारी जो यहाँ के उनके आशीर्वाद से ये संपन्न हो पाया और सारे जो यहाँ पे जुड़े हुए भक्तगण उनके आशीर्वाद से संपन्न हो पाया। और माँ तारा तो है ही एक, मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि हम सांस लेते हवा नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, फिर भी हम जिंदा हैं। तो हवा नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ना ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है और हम बोलते हैं। तो इस तरह भगवान भी जो है माँ है, इनविजिबल है बट फिर भी वो सब कुछ संचयमान है। तो इसलिए आदमी को भरोसा होना चाहिए अपने पे भी और भगवान पे भी, तभी वो जीवन में कुछ हासिल कर सकता। अपना परिचय दीजिएगा। मैं देवेश, और मैंने मेरा 9 ईयर्स एक्सपीरियंस है फ्रॉम IT बैकग्राउंड। मैंने इंजीनियरिंग किया और मैं IIM से MBA किया हूँ। मैं प्रेजेंटली अभी NGO का एक फाउंडर और डायरेक्टर हूँ, जीवन मल्टीपोलेट फाउंडेशन का, जो कहीं ना कहीं जितने भी गरीब असहाय व्यक्ति हैं और जो भी हो सकता है मैं उनका अपनी तरफ से पूर्णतः सहायता करता हूँ। मैं बहुत सारे कोविड से लेकर सहायता किया है और मार्गदर्शन भी देते हैं हम यदि कोई डिप्रेशन में होता है। इसके अलावा जितने भी पुरातन जो है तत्व जो भी बहुत बुरी स्थिति में, हम कोशिश कर रहे हैं उसको फिर से रिनोवेट करने की।